स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल ही में आरबीआई ने देश में डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के रूप में ई रुपया को लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। दरअसल इस डिजिटल करेंसी का उद्देश्य ट्रांजैक्शन में अप्रत्याशित वृद्धि करना है। आरबीआई ने कहा है कि होलसेल सेगमेंट में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल से इंटरबैंकिंग मार्केट को और अधिक कुशल बनाया जाएगा। ध्यान रहे, सेंट्रल बैंक ने शुरुआत में इसे 9 सरकारी और निजी बैंकों में शुरू किया है बतौर प्रशिक्षण। सेंट्रल बैंक के अनुसार अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहता है तो सीबीडीसी के उपयोग को दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा। आपको स्मरण करा दें, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी पर सुझाव देने के लिए वर्ष 2020 में एक समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर सितंबर 2022 में डिजिटल रुपए की योजना बनी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को दो भागों में बांटा है, जैसे सीबीडीसीडब्ल्यू यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल और सीबीडीसीआर यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल। ध्यान रहे, आरबीआई ने सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया है, जिसका उद्देश्य सीबीडीसी और डिजिटल रुपए की नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए कानूनी नोट का डिजिटल रूप है। उल्लेखनीय है कि सीबीडीसी की तुलना निजी वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वर्चुअल करेंसी किसी व्यक्ति के ऋण या दारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, नहीं इसे किसी देश का राष्ट्र बैंक जारी करता है। ध्यान रहे, बहमास सीबीडीसी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी, आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचबी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।